माता रानी ऋषि लक्ष्मी को जल्दी लेके आ जाए घर। हुई बात ऋषि से? नहीं मां, एक दो बार फोन ट्राई किया मैंने, पर एक बार फिर से ट्राई करते। दादी लक्ष्मी भाभी ठीक हो जाएंगी ना, वो वापस घर आ जाएंगी ना? हाँ पुत्र, जरूर आ जाएंगी, बस रब से दुआ कर जैसे हम कर रहे हैं। दादी मैंने ना कुल देवता से ना मन्नत मांगी है कि वो घर वापस आ जाएं, और भाभी ने ना मुझे कभी भी पराया नहीं समझा, वो हमेशा मुझे अपना समझती हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, मतलब मैं सच में उनको अपनी भाभी मानने लगा हूँ। लक्ष्मी है ही ऐसी, सबको अपना बना लेती है, सबसे रिश्ता जोड़ती है। आप एक बार ऋषि सर को बोलेगा ना कि वो भाभी को घर जल्दी वापस लेके आ जाए, पागल खाने में ना इंसान पागल ना भी हो फिर भी पागल बन जाता है। वो आएगी पुत्र, जरूर आएगी और जल्दी भी आएगी, तू चिंता ना कर। मैं बुलाती हूँ किसी को, रुक, कोई है? कोई है? खोलो, ऋषि को बचाओ, खोलो, खोलो। क्या है, अब क्यों चिल्ला रही है? वो ऋषि खिड़की पे, जल्दी अंदर आओ। मतलब खिड़की? तुमको खिड़की नहीं पता क्या? वो अटक गया है खिड़की पे, वो छोटा है, अकेला भी है, उसे डर लग रहा है, अंदर आओ ना। चुप कर, आ रही हूँ। वो देखो ऋषि अटक गया। पर वो वहाँ गया कैसे? तूने फेंका? क्यों फेंका? डांटो मत ना, मैं विंडो को मराऊंगी, तुम मेरा ऋषि दो मुझे। इतना ऊपर है, मेरा हाथ कैसे पहुंचेगा? हाँ, तुम तो छोटी हो। ए, चुप कर। वो वहां गया कैसे? मैंने फेंका। क्यों फेंका? क्योंकि उसे भागना था, मैंने भगाया उसको, फिर मैं भी चढ़ती, उसका हाथ पकड़ते, हम दोनों भाग जाते। भागना था? हाँ। ऊपर चढ़ पाएगी? चढ़ जाऊंगी। तुम घोड़ा बनो, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ के भाग जाऊंगी। चुप, अभी के अभी उसको नीचे उतार और वहां जाकर चुपचाप बैठ जा। उतार। आगे से ऐसा मत करना, वरना बहुत बड़ा इंजेक्शन लगा दूंगी, तुझे भी और इस ऋषि को भी। नहीं, इसको कुछ मत करना। तो अब शांत रह और चुपचाप बैठ जा, मुझे परेशान मत कर, समझी? डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।